मैं रजनी, आपका मेरे YouTube चैनल कुक विद रजनी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने दही बड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं बनाऊंगी अपने देसी अंदाज में। इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है ये देख लीजिए। ये मैंने 1.5 कप उड़द की दाल ली है, ये इस तरह की होती है व्हाइट वाली। ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दी थी, अभी देखिए डबल हो गई है इसकी। अब मैं इसका पानी निकाल लूंगी और फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए मैंने कर लिया, मैं इसको डालूंगी मिक्सर जार में और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, 1/2 चम्मच ही डालना है, नहीं तो फिर हमारे दही बल्लों की शेप अच्छी ढंग से नहीं आएगी। इसलिए बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है बिल्कुल बारीक। आइए हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड, ये मैंने दाल बिल्कुल बारीक पीस लिया। आप ये ऐसे हाथ से अपना इसको चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये मैंने पीस के तैयार कर ली है। अब मैं अपने इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस मोमेंट को मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा जीरा। जीरे और नमक का फ्लेवर दही बड़ों में बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटूंगी, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बैटर फिटेगा उतने ही अच्छे हमारे दही बल्ले सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट हमें इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं अपने बल्लों को इसमें तल लूंगी। ये बल्ले हमारे बन के तैयार हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बल्लों को निकाल लेंगे किसी प्लेट में। देखिए हमारे कितने बढ़िया बल्ले बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले क्रिस्पी हमारे बल्ले बन के तैयार हुए हैं। अब हम इनको एक बाउल में पानी लेके, एक बाउल में हमने पानी लिया है और नमक डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। करीबन 10 से 15 मिनट हम इन बल्लों को इसी में ढूंढने देंगे ताकि ये अपने एक्चुअल शेप में आ जाए और फूल के दुगने हो जाए। फ्रेंड्स, 20 मिनट बाद हमारे बल्लों का आकार कितना डबल हो गया है और कितने बढ़िया लग रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इनको हल्का सा हथेली से प्रेस करते हुए प्लेटिंग करेंगे। ज़्यादा हमें नहीं दबाना, सिर्फ हल्का सा जो पानी है वो निकालना है और फिर हम इसके लिए बढ़िया से प्लेटिंग करेंगे। जितने आपको खाने हैं आप उतने ले सकते हैं, जितने आपको खाने आप उतने ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ताज़ा दही ले लिया था और उसमें 2 चम्मच चीनी मिला ली थी। दही हमें गाढ़ा ही रखना है और फैट लिया था फिर। अब हम इस पर 2-3 चम्मच दही डालेंगे। ठंडा दही होना चाहिए जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। अब हम इस पर लाल चटनी, लाल चटनी की रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आपके साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। ये हरी चटनी, पपड़ी भी डाल सकते हैं। पपड़ी की रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। थोड़ा सा दही और डाल देंगे इसमें और इसमें साबुत जीरा, काला नमक, काला नमक बहुत टेस्टी लगता है इसमें, चाट मसाला, लाल मिर्च जितनी आपको चाहिए, इसे दोबारा से लाल चटनी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दही बल्ले बनके तैयार हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।